रोहित जी, जिस तरह से आपने 2019 में फिल्म फेस्टिवल जम्मू में कराया था, लेकिन उसके बाद कोविड का आना, क्या कहना है इस वक्त? फिर आप 2022 में रेडी हो रहे हैं अगले महीने, सर क्या कहना है? जी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू के लिए बहुत बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है जम्मू फिल्म फेस्टिवल। 2019 में मेरे ब्रदर राकेश शर्मा जी ने, जो कि मेंटर है हमारे ग्रुप के, उमेद के, और गाइड हैं, को फाउंडर भी हैं, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम लोग थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमने शॉर्ट फिल्म बनाई जो कि इंटरनेशनल लेवल पे गई, जिसने बहुत सारे अवार्ड्स लिए, इवन यूके पार्लियामेंट में वो शॉर्ट फिल्म को दिखाया गया। लेकिन उनके मन में था कि हमारे जम्मू की बात अगर करें, जम्मू में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और जम्मू में टैलेंट फिल्म मेकिंग में बहुत ज़्यादा है, और इसको निखारने के लिए हमें बाहर से, बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज़ को लाना है, और साथ साथ में हमें इंटरनेशनल फिल्म्स को यहाँ दिखाना, ताकि यहाँ का यूथ एनकरेज हो और वो उस रास्ते पर चले। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि 2019 में हमें 370 के बाद हमने वो इवेंट किया, उस टाइम पे मतलब अपने आप में जम्मू कश्मीर का इंटरनेशनल इवेंट पहला था, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसमें कश्मीर आशा, अयूब खान, अयाज खान, वो सब लोग आए थे बॉलीवुड से। उस टाइम पे भी 100 से ज़्यादा एंट्रीज थी अक्रॉस 15 कंट्रीज़। लेकिन इस बार दो कोविड के बाद अभी हमारे पास इस साल 22 कंट्रीज से मूवीज़ आई हैं, जिसमें से मोर देन 150 मूवीज़ हैं, जिसमें फुल लेंथ मूवीज़ है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, शॉर्ट फिल्म है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जम्मू कश्मीर से 18 एंट्रीज़ आई हैं, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से 14 फिल्म्स हैं जो शोकेस हो रही हैं। 3 और 4 सितंबर को हमारे दो वेन्यू हैं, एक मेन वेन्यू हमारा जम्मू क्लब है, जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, और बाकी दिन, बाकी टाइम पे फिल्में चलेंगी, और साथ साथ में अभिनव थिएटर के प्रमाइसिस में केएल सेगल हॉल दो हैं, और राइटर्स क्लब में एक और हॉल है, जहाँ हम एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा के फिल्मों को शोकेस करेंगे। क्या लगता है आपको आने वाली जनरेशन इस चीज़ को किस तरह से देख रही है जम्मू कश्मीर? देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और वही टैलेंट की कमी जो टैलेंट है वो दिखा, क्योंकि जो 14 फिल्में आप देखेंगे इस फिल्म फेस्टिवल में, उसमें से कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप बिलीव नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर पाएंगे कि वो लोकल फिल्म मेकर है, आप सोचेंगे कि ये कोई बॉलीवुड से कोई आया जिसने फिल्म बनाई है, और अलग अलग विषयों पे फिल्म बनी है। तो होपफुली जो राकेश रोशन भट्ट जी का, मेरे ब्रदर का एक सपना था कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए, और वो सपना उनका कामयाब हो रहा है। जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ होने वाला है अगले महीने, इसी विषय में सर आपका क्या कहना? ये सेकेंड सेशन है इसका, और पहला सेशन भी बहुत कामयाब रहा, और पहली बार जम्मू में एक इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल की फिल्म फेस्टिवल किया गया, जो उमेद रंगमंच ग्रुप की तरफ से था। इसमें राकेश रोशन भट्ट जी अपने रोहित भट्ट और इनकी पूरी टीम का जो एक्टिव हो के इतना काम करना बहुत सराहनीय है, और जो लास्ट ईयर फिल्में आई थी वो भी अच्छी थी, और उसमें हमारे जम्मू की फिल्में भी थीं जिनमें जम्मू के बच्चों को पुरस्कार भी मिला, बाहर वालों को भी मिला, लेकिन उसमें एक सेक्शन जो था वो हमारा जम्मू कश्मीर का सेक्शन था। इस बार कोविड की मारामारी के बाद एक थोड़े से हालात ठीक हुए हैं, और एक नई उम्मीद के साथ सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है, और सीज़न 2 में कमाल ये है कि इसमें बाहर से ना करते भी कोई 18-20 कंट्रियाँ जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी फिल्म्स स्क्रीन की गई, स्क्रूटनिंग हो गई, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा जिसमें जो लोग इसमें स्क्रूटनिंग कमेटी में हैं वो लोग हैं जो प्रैक्टिकल, जिन्होंने काम किया है, थ्योरी वाली बातें नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार फिर हमने जम्मू कश्मीर का एक सेक्शन जो है वो अलग सा रखा हुआ है, जम्मू की डोगरी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज कश्मीर से भी, और अच्छा वर्क आया है। लेकिन कुल मिला के जो हमारी जम्मू कश्मीर की फिल्म पॉलिसी, कश्मीर की फिल्म पॉलिसी बनी है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि उसमें रीजनल फिल्म्स को थोड़ा सा क्या है, एक मुकाम, वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, लेकिन हम लोग मिल के एक टीम वर्क करके बता रहे हैं कि देखें हम रीजनल लोग भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचेंगे, और उसका एक ही तरीका हमें अच्छा लगा कि हम इंटरनेशनल अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और नेशनल पे जो अच्छी अच्छी फिल्में हैं
उनको ला के यहाँ देखें, हम भी देखें, हमारे साथ जो फेटर्निटी फिल्म लाइन की है जो काम कर रही है वो भी देखें, उससे एक नया विजन खुलेगा, नए आयाम खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। और सरकार से भी उम्मीद रखेंगे कि इस तरीके के इवेंट को हो सके सपोर्ट करें। ये सारा काम यूथ कर रहा है, ये पूरी टीम यूथ है, यंग जनरेशन है, यंग लोग हैं इसमें काम करने वाले। और सरकार की स्कीम में हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में हो सके तो कहीं ना कहीं इस तरह की मदद करनी चाहिए इस तरह के ग्रुप्स को, ताकि वो हम भी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में अपने आप को तैयार कर सके। कमी हम में नहीं है, हमारे जम्मू कश्मीर से कई लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं एज ए एक्टर के तौर पर, तो इसका मतलब यहाँ से लोग हैं ना जो काम जानते हैं, तो थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट सरकार की तरफ से भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू सर।